हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू चैनल मैथ्स मिंट बाय कमेश आज मैं सॉल्व करूंगा क्लास टेन के लिए हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन जो सीबीएसई बोर्ड में 2017 में पूछ चुका है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसको हम आज बनाएंगे देखेंगे कैसे होता है आई होप यू विल प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक्स क्वेश्चन इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए क्लाउड फ्रॉम ए पॉइंट सिक्सटी मीटर एबव दर्फेस ऑफ द वाटर ठीक है ऑफ ए लेक सबसे पहले इसको पार्ट वाइज देखते हैं इस क्वेश्चन में अगर फिगर ठीक बन गया तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आसान से तो इसमें क्या लेते हैं ए बी इस फिगर में देखते हैं ए बी क्या है एक वाटर लेवल है तो लिख देते हैं लेट ए बी इज ए वाटर लेवल अब इस क्वेश्चन में क्या ए बी एक वाटर लेवल है उससे क्या कहता है सिक्सटी मीटर एवव द सरफेस ऑफ वाटर क्वेश्चन में कहता है सिक्सटी मीटर एवव द सरफेस ऑफ वाटर तो ये सरफेस ऑफ वाटर पी इज ए पॉइंट सिक्सटी मीटर एबव वाटर लेवल सिक्सटी मीटर है इसलिए पी ए सो पी ए इजकल टू पी ए इजकल टू सिक्सटी मीटर हो गया ठीक है अब कह रहा है कि इसी पॉइंट से पी से अगर हम एक क्लाउड को देखते हैं है ना एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ क्लाउड फ्रॉम द पॉइंट सिक्सटी मीटर एबव तो ये सिक्सटी मीटर एबव हो गया पी ये पी हो गया सिक्सटी मीटर और उससे अगर एक क्लाउड को देखते हैं तो क्या लिख देंगे सी पॉइंट इज ए क्लाउड सी पॉइंट ए क्लाउड है द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम पी टू सी फ्रॉम पी टू सी इज थर्टी डिग्री पी एम तो क्या करते हैं ड्रॉ पी एम पी को ये ड्रॉ कर लिया हॉरिजेंटल लाइन को इसलिए एंगल सी पी एम सी पी एम टू थर्टी डिग्री ठीक है इतना तो खो गया अब क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है लेक थर्टी डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो इन वाटर ऑफ लेक इज सिक्सटी डिग्री तो ये जो पी का ये सी पॉइंट है क्लाउड का उसका ये जो होगा सैडो तो ये हम शैडो को C1 वन मान लिए पॉइंट ऑफ शैडो ऑफ क्लाउड इजल टू C1 वन ये क्या है C1 वन क्लाउड बन गया ये P से अगर हम देखते हैं क्लाउड के ऊपर तो ये थर्टी डिग्री बनाता है और P से अगर क्लाउड के सैडो को C1 वन पर देखते हैं तो एंगल ऑफ डिप्रेशन नीचे क्या बनाता है सिक्सटी डिग्री ठीक है तो ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम पी टू सी वन इक्वल टू सिक्सटी डिग्री तो इसमें क्या हो गया सी वन पी एम एंगल सी वन पी एम इजकल टू सिक्सटी डिग्री हो गया अब ये शैडो का जो लेंथ होगा ये सिक्सटी है पी ए तो पी जो यहाँ मिला है इसको हॉरिजेंटल लाइन को तो ये पी और एम है ना पी ए मीटर है तो एम भी क्या हो जाएगा 60 मीटर हो गया ठीक है और ये ऊपर एच हमको नहीं मालूम है ये क्लाउड से जो वाटर लेवल है उसका हाइट हमको नहीं मालूम है तो इसको हम एच मान लेते हैं लेट सी एम इजकल टू एच तो जो भी क्लाउड का हाइट होगा वाटर लेवल से उतने ही हाइट से नीचे शेडो बनेगा जितना हाइट होगा वाटर लेवल से क्लाउड का तो क्लाउड का हाइट कितना हो गया ये सिक्सटी जहाँ से हम देख रहे हैं और ये एच हाइट हुआ इसका तो ऊपर कितना हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितना हो गया यहाँ से लेकर यहाँ कितना हो गया एच प्लस सिक्सटी ये क्या हो गया सी से लेकर बी तक तो हो गया सी बी इजकल टू ये सी बी है ये हो गया एच जो हमको नहीं मालूम है और ये सिक्सटी ठीक है तो इतना ही हाइट होगा यहाँ नीचे क्योंकि जितना ऊंचा वाटर लेवल से इमेज होगा उतना ही नीचे वाटर के अंदर इमेज बनेगा उतनी ही गहराई में इसलिए सी बी इजकल टू बी सी हो गया सी बी इजकल टू बी सी वन ठीक है इतना ही हुआ इसका भी हाइट एच प्लस सिक्सटी ठीक है ये समझ गया यही फिगर ही समझना है इसमें और कुछ नहीं करना है तो कह रहा है कि हमको बी से वाटर लेवल से इसका सी का हाइट फाइंड करना है है ना सी भी हमको फाइंड करना है जिसमें ये तो एम बी जो है वो सिक्सटी दिया हुआ है सी एम हमको फाइंड कर लेना है सीएम फाइंड हो जाएगा तो उसमें सिक्सटी ऐड कर देंगे तो हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम वाटर लेवल हमको फाइंड हो जाएगा ठीक है ये हो गया अब इन ट्रैंगल ये एक ट्रेंगल बना सी एम पी एक ट्रैंगल बन गया तो इन ट्रैंगल सी एम पी इसमें हम क्या देखते हैं सी एम है ना सी एम बाई पी एम ये हो गया कितना है ये सी एम क्या थर्टी डिग्री के लिए पी है ये हो गया पी ये है बी बेस ये हो गया टेन थर्टी डिग्री ठीक है टेन थर्टी डिग्री कितना होता है ये होता है वन बाई रूट थ्री ठीक है तो इसमें सी एम के जगह पर क्या डाल देंगे सी एम के जगह पर एच डाल देंगे पी एम के जगह पर पी एम डाल देंगे और ये हो गया वन बाई रूट थ्री टेन थर्टी के बराबर हो गया ठीक yeah. है अब इसमें हम क्या करेंगे इससे हम निकाल लेंगे क्या पीएम निकाल लेंगे पीएम एम इजिकल टू कितना हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे वन पी एम इंटू वन तो पी एम ही हो गया और एच इंटू रूट थ्री तो ये हो गया रूट थ्री एच ठीक है इसको हम इक्वेशन वन मान लेंगे ठीक है अब इन ट्रेंगिल अब इस दूसरा ट्रायंगल जो नीचे है लाइन एंगल ऑफ डिप्रेशन वाला सिक्सटी डिग्री के साथ तो ये ट्रायंगल क्या हो गया ये ट्रायंगल हो गया पी एम सी वन पी एम सी वन इसमें क्या देखते हैं ये जो है परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो गया इसके लिए हो गया एम सी वन एम सी वन बाई क्या हो गया पी एम ठीक है ये हो गया इसके लिए सिक्सटी डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो गया ये बेस हो गया ये भी हो गया पी बाई बी तो ये हो गया टेन टेन कितना सिक्सटी डिग्री के एंगल के रेस्पेक्ट में है तो ये हो गया टेन सिक्सटी डिग्री अब टेन सिक्सटी डिग्री कितना होता है ये होता है रूट थ्री ठीक है तो अब इसमें एम सी जो है एम सी वन है ना एम C1 इसका हाइट कितना हो गया इसका हाइट हो गया 60 इतना तक का और इतना तक हो गया एच प्लस सिक्सटी है ना ये हो गया 60 ये 60 के पैरल है यहाँ ये 60 हो गया परपेंडिकुलर है दोनों साइड और ये क्या है इसका हाइट जो होगा ये तो माने वाटर लेवल से क्लाउड का हाइट है और इसका सैडो बनेगा तो ये सिक्सटी ऐड होगा उसमें और ये एच भी ऐड होगा मैंने यहाँ से यहाँ तक का सैडो बनेगा उतना लंबा फिगर में थोड़ा लंबाई कम हो गया है ये और नीचे आना चाहिए था लेकिन फिर उतना ठीक ही है तो सी सी बी जो हो गया वो किसके बराबर हो गया एच प्लस सिक्सटी के बराबर इसलिए पी एम कितना हो गया ये जो हो गया एम सी एम सी वन कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक सिक्सटी है और यहाँ से यहाँ तक का इसका सैडो है तो सिक्सटी प्लस एच प्लस सिक्सटी ठीक है तो इसके जगह पर लिख देंगे एच प्लस सिक्सटी प्लस सिक्सटी क्यों लिख देंगे यहाँ से यहाँ तक है एच प्लस सिक्सटी है ना एच प्लस सिक्सटी और सिक्सटी तो ये हो गया अब बाई लिख देंगे पी एम ही लिख देंगे ये हो गया कितना रूट थ्री अब इसको आगे बढ़ाते हैं ये हो जाएगा एच प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी बाई पी एम इजकल टू रूट थ्री अब हम क्या देखते हैं इसको कर लेंगे रूट थ्री अब एच इसमें हमको फाइंड करना है तो क्या हो जाएगा ये एच निकालेंगे तो इससे हमारा हो जाएगा रूट थ्री पी एम इजकल टू एच प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी ठीक है तो अब इसमें हम क्या करेंगे पी मेरा कितना है रूट थ्री एच है तो यहाँ डाल देंगे रूट थ्री इंटू रूट थ्री एच ये हो जाएगा फ्रॉम इक्वेशन वन यहाँ है ये यह निकल गया देखिए एच प्लस सिक्सटी प्लस सिक्सटी बाई पी एम इजकल टू रूट थ्री टेन सिक्सटी के बराबर तो ये रूट थ्री हो गया ये रूट थ्री पी एम है ना ये हो गया वन हंड्रेड ट्वेंटी एच प्लस पी एम इजकल टू रूट थ्री तो रूट थ्री इन टू पी एम इजकल टू एच प्लस हंड्रेड ट्वेंटी ठीक है अब ये रूट थ्री और रूट थ्री यहाँ हो गया है ना क्यों हो गया यहाँ तो रूट थ्री है ही और पी एम मेरा कितना था पी एम रूट थ्री एच सॉरी रूट थ्री एच है ना ये रूट थ्री है यहाँ और पी एम मेरा कितना था रूट थ्री एच रूट थ्री एच डाल दिया इजकल टू एच प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी ये क्या हो जाएगा रूट थ्री इंटू रूट थ्री कितना हो जाएगा थ्री हो गया ये एच हो गया इजकल टू एच प्लस वन हंड्रेड ट्वेंटी हो गया अब इसको इधर कर देंगे तो थ्री एच माइनस एच इजकल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी इसको आगे बढ़ा देते हैं तो ये हो जाएगा टू एच थ्री एच में से वन एच चला गया तो ये हो गया टू एच इजकल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी इसलिए एच इजकल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी बाई टू इक्वल टू सिक्सटी मीटर ठीक है तो इस फिगर में एच जो है मेरा वो कितना हो गया सिक्सटी मीटर हो गया तो अब हम वाटर लेवल से इसका हाइट कितना हो जाएगा ये सिक्सटी निकल गया सिक्सटी ऑलरेडी ये मालूम ही है तो इसे लिख देंगे हाइट ऑफ़ क्लाउड फ्रॉम सरफेस ऑफ वाटर equal टू h plus सिक्सटी तो so h ये है ये h है और ये प्लस सिक्सटी है h मेरा कितना निकल गया सिक्सटी निकल गया तो इजकल टू सिक्सटी प्लस सिक्सटी इजकल टू वन हंड्रेड ट्वेंटी मीटर यही इसका आंसर हो गया ठीक है ये हो गया हाइट ऑफ द क्लाउड ऑफ सरफेस ऑफ वाटर एच प्लस सिक्सटी एच हमने सिक्सटी निकाला और सिक्सटी यहाँ पर है ही पहले से ये सिक्सटी प्लस एच है इसका हाइट तो वो निकल गया वन हंड्रेड ट्वेंटी मीटर यही आंसर हुआ अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें थैंक्स